वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल स्वर्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम के बारे में। इसमें हम थ्योरेटिकल एंड कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पूरा पीएसओ का कोड प्रिपेयर किया है, तो आज वो डिस्कस करेंगे एंड थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे कि होता क्या। एक्चुअली मुझे इससे रिलेटेड बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए थ्योरेटिकल एंड एक कोड, बिकॉज इस पर कोई कोड अवेलेबल नहीं है पाइथन में, तो जावा में एंड स्पेशली अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट पाइथन में ये अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये इसे इम्प्लीमेंट किया है इसीलिए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टिकल स्वर्म ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है फर्दर हमको आगे कोड पे बढ़ने से पहले। सबसे पहले ये एल्गोरिथम जो होती है पार्टिकल वर्डिंग वाइज समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे। ओके, तो ज़्यादा आसानी होगी। तो पार्टिकल मीन्स फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, एक बर्ड का झुंड है, वो जा रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है बर्ड का झुंड। अगर मैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक बर्ड होती है, सॉरी सबसे आगे एक बर्ड होता है, बर्ड होती है उसके पीछे उसे सब फॉलो करते हैं। मीन्स सबसे आगे जो होता है उसके पीछे जो भी लोग होते हैं वो सबसे जो भी आगे होता है उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो अगर मैं उन बर्ड्स में से किसी भी एक बर्ड को लेती हूँ, एक बर्ड को चूज करती हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, वो पार्टिकल होगा उसके उसी ग्रुप का। मीन्स अगर मैंने एक बर्ड को चूज किया तो इसका मतलब है वो पार्टिकल, दैट इज अ पार्टिकल ऑफ दैट ग्रुप। ओके, सो सेकेंड है स्वर्म, तो वो जो ग्रुप है, वो जो कलेक्शन ऑफ बर्ड है उसका मतलब है स्वर्म। मीन्स द कलेक्शन ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ बर्ड, इट इज कॉल्ड स्वर्म। ओके, एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को हम कौन सी बेस्ट सॉल्यूशन, अपना कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ये हमने थ्री वर्ड्स का मीनिंग समझा। अभी होती क्या है, मीन्स हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लाइक फिश है, मछली है। ओके, तो मछली है तो आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या कहीं भी आपने देखा होगा कि जो मछली होती है वो झुंड में ही जाती है। अगर कहीं भी खाना ढूंढ रही होती है या कहीं भी ढूंढ रही होती है तो वो झुंड में जाती है। ओके, मीन्स जो सबसे आगे मछली होती है उसके पीछे जो भी मछलियाँ होती हैं वो सबसे आगे वाली मछली को फॉलो करती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स जो मछली होती है वो खाना ढूंढती होती है, उनको पता चल जाता है कि खाना कितनी दूरी पे, बट उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता होती है कि वो कितने डिस्टेंस पे खाना है, क्योंकि उनके पास GPS तो होता नहीं। तो एक्चुअली उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है, बट उनके पास इतनी पावर होती है कि वो पता कर सकें कि वो कितनी दूरी पर है। एग्जैक्ट नहीं पता होता, बट उनको ये पता होता है कि इतना डिस्टेंस अभी बाकी है खाने के लिए। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो क्या होता है, वो जो खाना है वो खाने तक आइट्रेशन से पहुँचती है, लाइक पर आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थ्री आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन, तो आइट्रेशन से वो खाने तक पहुँचती है। ओके, फिर जो पहुँचती है वो क्या होती है, जैसे जो भी बाकी की मछलियाँ हैं, जो भी सबसे आगे वाली मछली है उसका जो डिस्टेंस है उस खाने तक बहुत ही कम डिस्टेंस होगा। मीन्स जो बाकी की मछलियाँ होती हैं वो पहली वाली मछली का पीछा करती हैं, फॉलो करती हैं, तो वो जिस भी डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में बाकी जो मछलियाँ उसको फॉलो करती हैं। मीन्स इसीलिए उसको कलेक्शन का ग्रुप होते हैं, तो बाकी सबको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर अलग अलग डायरेक्शन से जाएंगे तो वो मतलब कि सही पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, इज इट क्लियर, आई थिंक इट क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको फिश और बर्ड का एग्जांपल भी क्यों दिया, मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये पीएसओ एल्गोरिथम जो है ये इन्हीं से बनी हुई है, एग्जांपल से फिश से एंड बर्ड से, इन दो एग्जांपल से ये एल्गोरिथम बनी हुई है। ओके, अब बात करते हैं कोड की। तो सबसे पहले अगर आप कोड यूज
करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी और कुछ आपको इंस्टॉल करनी होगी। सबसे पहले नंपाई ओके ये आपको इंस्टॉल करना होगा। तो आप जब भी इसको बिकॉज आपको फिर एरर आएंगे, फिर आपके मैसेजेस आते हैं कि मैम ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये इंस्टॉल करने होंगे। कमांड को हमने सीधा आपको लिखना है, पिप इंस्टॉल जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करने जाते हैं वो आप लिखें। ये इंस्टॉल आप ईजीली कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ओके। सो नेक्स्ट आपको सीबॉन आपको यूज़ करना वो इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल सीबॉन मैट प्लॉटलेट एंड टैबुलेट ये सब आपको इंस्टॉल करने होंगे ओके। नेक्स्ट है हमारा पाइथन इवेल्यूशन कोड। ये पाइथन इवेल्यूशन कोड है जो कि बैकएंड में चलता है। इसकी एक फाइल होती है जो कि मैंने प्रिपेयर की है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में मेंशन करें, बिकॉज कॉपीराइट की वजह से इसीलिए कोड हम मेंशन नहीं कर पाते हैं, कॉपीराइट्स बहुत होते हैं इसीलिए। बट अगर आपको वो चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं ओके, लाइक एंड डायमेंशन फाइव लिया हुआ है मैंने, पार्टिकल्स 100, फ्रेम साइज 2 लिया हुआ है, लाइक जो ग्रुप का साइज है वो कितना है ओके, नंबर ऑफ आइट्रेशन 500 लिए हुए हैं ओके। तो ये कंडीशंस बनाई हुई है मैंने, पार्टिकल पॉप यहाँ पे कंडीशंस बनाई हुई है मैंने ओके। इक्वलिटी कंडीशन बनाई हुई है, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, बिकॉज अगर आपको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट मेंशन करें, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसमें, इसीलिए अगर आपको एक एक पॉइंट समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पॉइंट भी एक्सप्लेन करूँगी आपको, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी पॉइंट पे आप कोड रन ना हो, एरर आए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगी। नेक्स्ट है हम प्रिंट कर रहे हैं बेस्ट नॉन पोजीशन ओके लाइक हम फिटनेस अंडरस्कोर एफएक्स, तो हमने दो फाइल्स की होंगी जैसे मैंने यहाँ पर बताया, फिटनेस अंडरस्कोर एफएक्स एंड सेकेंड पार्टिकल की फाइल है ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन हमने यूज़ की हुई है पार्टिकल के लिए, बेस्ट पोजीशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, आपको पता है कि वेलोसिटी पार्टिकल साइज ये सब यूज होता है ओके। लाइक हमने इसमें नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया, पर आइट्रेशन हमने निकाले हुए हैं बेस्ट बाय आइट्रेशन। लाइक अगर उस डिस्टेंस पे फिशेज का फूड है तो वो उस डिस्टेंस में उनको पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो वो आइट्रेशन के थ्रू जा सकती हैं, 1 आइट्रेशन, 2nd आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन, 4 आइट्रेशन, तो वहाँ तक वो पहुँच सकती हैं ओके। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द आइट्रेशन ओके। एंड ये है एक्चुअली ये जो है आपका पर आइट्रेशन है जिसमें कलर चेंज होता रहता है आपका, तो ये क्लियर आउटपुट है। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत आए, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोड चाहिए होगा तो आप उसका कमेंट में मेंशन करें, आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट कम कोड को समझ सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझे ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में किससे बनाऊँ आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, पाइथन, डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट चाहिए, किसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए।